सिंगल एंट्री और डबल एंट्री मोड समझना है ना। तो यहां पे देखो क्रेडिट आ रहा है, सीआर लिखा हुआ है, हम लोग अभी कंट्रा वाउचर में। कंट्रा वाउचर क्यों यूज होता है? अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करने के लिए कंट्रा वाउचर को यूज किया जाता है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड समझना है, ठीक है। अब ये होता क्या है, तो देखो यहां पे दिया हुआ है चेंज मोड, ये दिखाई पड़ रहा है यहां पे साइड में, देखो ये पट्टी सी जो बनी हुई है यहां पे दिया हुआ है चेंज मोड, ठीक है। और यहां पे दो ठो बार बना है, ये जो छोटा सा लाइन लाइन दो ठो बना है ना, दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आप कंट्रोल के साथ ये बटन प्रेस करेंगे। किसके साथ प्रेस करना है? कंट्रोल के साथ। और अगर सिंगल एक बना होता तो किसके साथ प्रेस करना रहता? अल्ट के साथ, ठीक है। तो अल्ट के साथ प्रेस करना था, अभी डबल बनाया तो कंट्रोल के साथ, तो कंट्रोल एच प्रेस कीजिए, सीटीआरएल एच आ गए। अब यहां पे दो चीजें दिख रही हैं, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री, ऐसे ही टेली ईआरपी 9 में भी होता है, ठीक है, और टेली प्राइम में भी सेम यही चीज होती है। तो थोड़ा सा तरीका अलग है, यहां पर चीजें चेंज हो गई, आइकन वगैरह चेंज हो गया है, तो थोड़ा सा अटपटा लगता है, और ये ज्यादा आसान भी है टेली प्राइम इन कंपेरिजन टू टेली ईआरपी 9, जैसा कि आपने देखा था कल, तो ये आसान भी है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, देखो अभी हम लोग किस में है, डबल एंट्री मोड में है। डबल एंट्री मोड में कैसे है, कैसे पता चला कि डबल एंट्री मोड में है? यहां पे क्रेडिट आ रहा है, तो क्रेडिट या डेबिट शो करेगा, तो इसका मतलब ये है कि हम अभी डबल एंट्री मोड में हैं, ठीक है। हमें जाना है किसमें, सिंगल एंट्री मोड में। फिर से कंट्रोल प्लस एच प्रेस कीजिए, वेरी गुड। अब सिंगल एंट्री मोड में जाना है, डबल एंट्री में है, तो क्या करेंगे, नेविगेशन की का प्रयोग करो, एंटर करो। अब देखो यहां डेबिट क्रेडिट आ रहा है क्या, आ रहा है नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है ना डेबिट क्रेडिट, यहां जो क्रेडिट आ रहा था वो गायब हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो देखो यहां पर ये जो बॉक्स दिख रहा है अकाउंट वाला ना, ये हम कंट्रा वाउचर में है, और यहां पर जो अकाउंट वाला बॉक्स दिख रहा है, इसमें जिस खाते में पैसा इन होगा, यानी जिस खाते में पैसा डाला जाएगा, वो चीज यहां पे आएगी। तो अगर तुम किसी का खाता बना रहे हो, जैसे मान लो अल्ट सी करते हैं, यहां पे डाल दो पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक कर दिया, या ऐसे पंजाब नेशनल बैंक या स्टेट बैंक कर दो, यहां पे लिख दो स्टेट बैंक, ठीक है, ये लिख दिया स्टेट बैंक, ऐसे स्टेट बैंक लिख देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, ये किस में जाएगा, ये जाएगा अंडर बैंक अकाउंट में, किस में जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो यहां बी प्रेस करो, देखो बैंक अकाउंट आ रहा है, बैंक अकाउंट से संबंधित लेजर्स दिखाई पड़े, बैंक ओसीसी बैंक ओडीसी, इस तरह की चीजें नजर आ रही है, तो हमें यहां पे बैंक अकाउंट रखना, एंटर प्रेस करो, ये आ गया। अब देखो यहां पे दिखा रहा है अभी कंप्यूटर क्लास, ठीक है, ये वो नाम है जो आपने कंपनी, शायद आपकी कंपनी का नाम होगा, ये आपकी कंपनी का ही नाम है ना, तो ये एंटर प्रेस कर दीजिए अगर आप यही नाम रखना चाहती हैं तो, अदरवाइज कोई और नाम देना चाहती है, जैसे मान लीजिए आपका नाम है नेहा, तो यहां पर कर देते हैं नेहा, ठीक है, और एंटर प्रेस कर दिया। और यहां पर अब अकाउंट नंबर आएगा, तो जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो डाल दीजिए यहां पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक अकाउंट नंबर डाल देता हूं मैं, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर आएगा आईएफएससी कोड, तो जो भी आपके बैंक का आईएफएससी कोड है वो डाल दीजिए, बैंक का नेम आ जाएगा वहां पे, और यहां पे ब्रांच आ जाएगा, तो यहां पे मैं ब्रांच डाल देता हूं, बाकी सब आप डाल लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी बता दें, ये खत्म हो झंझट, ठीक है। और यहां पर अगर चेकबुक अगर लेना चाहती हैं तो यहां से इसको यस करेंगे, ठीक है, अदरवाइज इसको नो रखेंगे, चेकबुक वाला बाद में बात करते हैं, अभी इसको हम ऐसे ही रखते हैं। यहां पर एड्रेस डाल दीजिए, मान लीजिए एक तो न्यू कॉलोनियों में है, तो न्यू कॉलोनी कर देते हैं, न्यू कॉलोनी में भी एक तो है ब्रांच, ठीक है, न्यू कॉलोनी देवरिया कर देते हैं, ठीक है, तो ये कर दिया हमने, और एंटर प्रेस कर दीजिए यहां से, एंटर प्रेस कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, एंटर, एंटर, और यहां पे पिन कोड डाल दीजिए, तो देवरिया का पिन कोड यही है ना, तो डाल दो, एंटर प्रेस कर दो। अब यहां पर जीएसटी आईएन नंबर अगर डालना हो तो डाल दीजिए, अदरवाइज इसको छोड़ते हैं, अभी बाद में इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो ये बन गया, तो देखो ऊपर स्टेट बैंक आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कैश करेंगे, कैश जमा कर रहे हैं हम, स्टेट बैंक में कोई होगा या आप ही होंगी जो अपने खाते में 5000 रुपया कैश जमा करेंगे, तो ये 5000 जमा कर दिया आपने, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है नेगेटिव कैश, आपके पास कैश है नहीं और आप क्या कर रही हैं, जमा करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है ना। तो कैश कैसे होगा, याद है पहली एंट्री क्या करते थे हम, याद है रिसिप्ट में एंट्री पास करते थे, तो जल्दी से रिसिप्ट में एंट्री पास कर दीजिए, तो वी प्रेस कीजिए और रिसिप्ट वाउचर में जाइए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको डबल एंट्री मोड में एंट्री पास करनी है, तो डबल एंट्री मोड में जाने के लिए कंट्रोल के साथ एच प्रेस करेंगे, कर दिया, अब डबल एंट्री मोड में जाइए, एंटर प्रेस कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर डेबिट क्रेडिट शो होने लगा, ठीक है,
और ये डेट देख लीजिए, ये डेट अगर यही रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और फिर यहां पर क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट का लेजर आएगा, तो कैपिटल अकाउंट कर दो। अपने कंपनी में जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे कैपिटल बोलते हैं, ए ऑब्लिक्सी, ठीक है। एंटरप्राइज कर दो, एंटरप्राइज कर दो, और यहां पे वही अकाउंट नंबर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। वो अकाउंट जो आपका था वो यहां पे डाल सकते हैं, 333 जो भी करके दिया था हमने। फिलहाल इसको ब्लैंक छोड़ता हूं, एंटरप्राइज कर देता हूं, हो गया। अब मान लो अपने कंपनी में यहां पे 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रही हो, ठीक है, और यहाँ पे देखो चेक भी इशू हो रहा है। एंटरप्राइज करता हूं, अभी रहने दो, रेंज वेंज सब बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही 90,000 डाला हमने, तो ये जो है देख रही हो क्या हो रहा है, ये माइनस में जा रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो क्रेडिट आ रहा है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हमने किया, कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाइए, तो इसको अंडर किस ग्रुप में डाली हो कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाते समय, बताओ। देखो यहां से चेक करो, यहां से जाओ लेजर में जाओ, यह है ना। अब देखो कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाया तुमने और बैंक अकाउंट में इसको ले जाके डाल दिया, तो नेगेटिव तो आना ही आना है। दिमाग कहां रहता है, कैपिटल अकाउंट करो, उसको ऊपर ही है यहां पे, एंटरप्राइज करो, एंटर करो, यहां पे पिन कोड वगैरह डालना हो तो डाल दो। बना रही हो कैपिटल अकाउंट का लेजर और डाल रही हो बैंक अकाउंट में, है ना। अब देखो अब दिक्कत नहीं होगा, अब यहाँ पे आओगी, एंट्री पास करोगी, कंट्रा वाउचर रिसीव वाउचर में थे ना, तो यहाँ पे देखो ये आ गए, इसी डेट पे रखते हैं, और ये कैपिटल अकाउंट हो गया। अब यहाँ पे डालो 9 लाख रुपए हो गया। अब यहाँ पे आया, रेड में आया, नहीं आया ना, एंटरप्राइज करो, अब यहाँ पे कैश कर दो, तो ये तुम्हारे पास पैसा हो गया। अब हमें चलना है कहाँ, कंट्रा वाउचर में। कंट्रा वाउचर में जाने के लिए देखो क्या प्रेस करना है, कंट्रा वाउचर, कंट्रा वाउचर में जाने के लिए क्या प्रेस करना है, कंट्रा F4 प्रेस करो, F4 प्रेस कर दिया। अब यहां पे क्रेडिट आ रहा है, अब इसको वापस से चेंज करना है किसमें, सिंगल एंट्री मोड में, तो सिंगल एंट्री मोड में बदलो जल्दी से, सिंगल एंट्री पे जाओ, एंटर करो, हो गया। अब इसमें वो अकाउंट आएगा तुम्हारा जिसमें पैसा डालना है, ठीक है। तो याद है स्टेट बैंक वाला हम लोग बनाए थे, तो एस प्रेस करो, स्टेट बैंक डालो यहां पे, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे कैश कर दो, कितना रुपया कैश जमा कर रही हो, मान लो 5,000 रुपया जमा कर रही हो, 7,000 या 10,000 जो भी हो, तो 5,000 कर देते हैं, तो 5,000 रुपया हो गया। अब देखो कहीं भी रेड रेड में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, अब पैसा हो गया तुम्हारे खाते में। अब यहाँ पे नोटों की डिटेल डाल दो कि 5,000 रुपया में कोठो 2,000 का था, कोठो 1,000 का था, ऐसे करके करना है। तो मान लो 2,000 का नोट है, बड़ा बड़ा नोट ज्यादा है तुम्हारे पास, नहीं 2 हो गया और 2,500 का है, ठीक है, तो 5,000 हो जाएगा, 5,000 हो गया, एंटरप्राइज कर दो। और यहाँ पे नरेशन डाल सकती हो जो भी, कि कैश डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट ऑफ नेहा, ठीक है, इस तरह की चीजें। तो फिलहाल एंटरप्राइज कर दो, एंटरप्राइज कर दो, तो इस तरह से ये कंट्रा वाउचर वाली एंट्री आसान हो जाएगी, आसानी से एंट्री पास कर लोगी टेली प्राइम में भी। इसके पहले ERP 9 भी बता चुके हैं, अब ये टेली प्राइम हो गया, समझ में आया कि नहीं।